है तो आप कैसे ठीक कीजिएगा। देखिए ये नेट का टुकड़ा है कपड़ा है, मैं इसको खींच लेता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ नेट फैब्रिक पर सिलाई कैसे करें। दोस्तों नेट का यदि कपड़ा है तो आप सिलाई करते वक्त आपका दिक्कत यानी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप कैसे कीजिएगा, क्या तरीका है सिलाई करने का जो कि आसानी और घर पर अपना लीजिएगा। तो आप इस नेट वाला है फैब्रिक, ये नेट का ब्लाउज है और ये हाथ है दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम दिखा रहा हूँ कि कैसे आप सिलाई कीजिएगा और सिलाई नहीं हो रहा है तो दिक्कत क्या क्या हो रहा है तो आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये कपड़ा तो आसानी है दोस्तों, ये ब्लाउज वाला कपड़ा और नेट कपड़ा पर सिलाई कैसे करें, सिलाई करने का आसान तरीका। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले आपको चेक करके दिखाते हैं तो सिलाई इसमें दिक्कत क्या क्या हो रहा है। ये पूरा कपड़ा को खींच लेता है, ठीक है। देखिए ये कपड़ा कैसे खींच लिया आप बताइए, यदि इस तरह आपका सिलाई होगा तो आप कैसे सिलाई कर पाइएगा। देखिए पूरा कपड़ा को तो ये खींच लेता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यदि यही प्रॉब्लम होगा था दोस्तों नेट में, तो नेट ये नट है, इस नट को भी आपको लूज करना पड़ेगा ताकि क्या होगा। देखिए इसको मैं लूज कर रहा हूँ, तो इसको लूज कर ये नट को भी थोड़ा लूज करना पड़ेगा। ये यदि टाइट यदि धागा पूरा आ रहा है तो भी कपड़ा को खींच लेगा, ठीक है। तो इसको सेटिंग करना पड़ेगा नेट में, जब भी कपड़ा आप सिलाई करते हैं तब आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर कि आप नेट में आप सिलाई कर पाइएगा। और ये जो सुई है दोस्तों, ये सुई भी आपको 14 नंबर यूज करना चाहिए, ठीक है। ये चांद का जो ये जो सुई जहाँ घुसता है, जैसे सुई मेरे यहाँ घुसता है, तो ये होल यदि आपका बड़ा रहेगा तो फिर भी क्या करेगा दोस्तों, ये नेट का कपड़ा है ना, नेट का कपड़ा ये पूरा लेकर के घुस जाएगा, तो इस तरह घुस जाता है, तो ये भी दिक्कत है। तो ये पूरा होल बड़ा नहीं रहना चाहिए, यानी पुराना रहेगा तो नेट ये चांद यदि आपका पुराना रह गया तो आपको इस तरह होल बड़ा हो गया तो भी आप नेट सिलाई नहीं कर पाइएगा, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये पेपर है, इस तरह पेपर आपको लेना है, जितना तक आपको सिलाई कीजिएगा इतना तक आपको डबल का पेपर ले लेना है। जैसे मैंने ये डबल पेपर ले लिया हूँ, ठीक है। अब आप क्या करना है, ये हाथ है, ये नेट वाला सिर पर यह हाथ को ही सिलाई करना है। तो इस तरह से आप ये नीचे में ये पेपर दे दिए और इस तरीका से मैं अब इसको सिलाई कर रहा हूँ। तो जब भी आप नेट सिलाई कीजिएगा तो इस तरीका से जब भी आप नेट सिलाई कीजिएगा तो इस तरह पेपर का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। इस तरीका से देखिए थोड़ा सा भी कपड़ा आपका नहीं खींच रहा है, तो ये पेपर में हुआ। देखिए थोड़ा सा मैं आगे तरफ भी हाथ नहीं दे रहा हूँ, फिर भी कपड़ा आपका नहीं खींच रहा है, तो इस तरीका से आप सिलाई कीजिएगा। ये आपको जिस तरीका बेस्ट लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आप लोग को सिलाई संबंधी सिलाई के बारे में आप लोग को बहुत नॉलेज मिलता है। तो इस तरीका से आपको यहाँ एक सिलाई दिए और एक सिलाई आपको डबल साइड में और एक दे देना है ताकि ये मजबूत पूरा रहे, ओके। इस तरीका से एकदम फर्स्ट क्लास कपड़ा की तरह सिलाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं और कोई टाना खींचा का कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब होने के बाद दोस्तों अभी आपको इस तरीका से आप पकड़ लेना है और इस पेपर को खींच देना है ताकि क्या होगा आपका वो पेपर निकल जाए, और इसको साफ थोड़ा कर दीजिएगा। इसके बाद पानी वानी धोएगा तो इसके बाद साफ तो हो ही जाएगा, मगर आपको फिर भी इस तरीका से कर लेना है, ओके। और इस तरीका से मैंने दोस्तों आपको दिखा दिए कि नेट फैब्रिक में आप सिलाई कैसे कीजिएगा, सिलाई कैसे करते हैं दोस्तों। तो हम लोग जब भी नेट का कपड़ा आता है दोस्तों तो इसी मशीन से हम लोग यही तरीका अपनाते हैं और सिलाई कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। या आप लोग को भी इस तरीका से इसको निकाल लीजिएगा दोस्तों, ये मेरा नेट, ये सिलाई मेरा ओके ओके हो गया। तो इस तरीका से मैंने सिलाई कर दी है। अभी आपको अब इस पेपर को निकालना है, तो पेपर को क्या कैसे निकालिएगा दोस्तों, इस तरह से हल्का हल्का नाखून से खींचिए, ऐसे खरोचिएगा ना बस इस तरह से, तो अपने आप ये पेपर आपका निकल जाएगा, इस तरह से आपका साफ़ हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ यह नेट का कपड़ा सिलाई करने का तरीका आप लोग सीखिए होंगे, और वीडियो अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा करके ऑल में रखिएगा ताकि इस तरह का कॉन्टेंट इस तरह का अपडेट वीडियो आप लोग को मिलती रहेगा। और एक नया वीडियो के साथ आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।